नमस्कार, नॉर्थ इंडियन टेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बैगन का भरता। बैंगन के भरते के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस तरह हैं। 4 मीडियम साइज की प्याज मैंने काट के रखी हुई है, 4 टमाटर मैंने काट के रखा हुआ है, धनिया, 2 बैंगन मैंने ली हुई है, 1 बैंगन मेरी 250 ग्राम की है, 2 हरी मिर्च मैंने काट के रखी हुई है, 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन ग्रेट करके रखा हुआ है, 1/2 टेबल स्पून मैंने अदरक ग्रेट करके रखा हुआ है। आप अगर चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार और 2 टेबल मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, आप इसकी जगह कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जीरा 1 टीस्पून मैंने लिया हुआ है, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया हुआ है, 1/2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया हुआ है, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, हींग 1 चुटकी। हींग और हल्दी आपका ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो मत डालिए। अब बैंगन को मैं थोड़ा सा कट करके इस तरीके से देखूंगी। बैंगन मेरा पूरा अच्छे से साफ है, ये देखिए। इसे हम गैस पे भुनेंगे, इसमें थोड़ा ऑयल लगाएंगे, उसके बाद ही हम बैगन को भुनेंगे। ये देखिए, ये बैगन भी मेरा अच्छे से साफ है। बैगन को एक बार कट करके जरूर देखें, क्योंकि कई बार हमारी बैगन खराब होती है। अब मैं इसमें थोड़ा मस्टर्ड ऑयल लगाऊंगी और गैस पे सेकूंगी। अब मैं बैगन में थोड़ा मस्टर्ड ऑयल लगाऊंगी इस तरीके से, इससे बैगन अच्छे से भुन जाता है और इसका छिलका निकालने में आसानी होती है। ऊपर से सरसों ऑयल ज़रूर लगाइए या कोई भी जो रिफाइंड आप यूज़ कर रहे हैं। अब मैं गैस जलाऊंगी और अपना बैगन गैस पे रोस्ट करूंगी इस तरीके से। इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी देर पे मीडियम फ्लेम पे रखेंगे गैस को और घुमा घुमा के सेकेंगे। बैगन हमारा अच्छे से सिक रहा है। बैगन को इसी तरीके से घुमा घुमा के, ये देखिए, हमें सेकना है। इसी तरीके से बैगन को हमें घुमा घुमा के सेकना है। बैगन हमारा अब अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इसे चेक करने के लिए एक नाइफ लेके देखिएगा, ये देखिए नाइफ अंदर जा रहा है, इसका मतलब अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब मैं इसे हटाऊंगी। अब मैं इसी तरीके से दूसरा बैगन भी रोस्ट करने के लिए रखूंगी। इसी तरीके से मैंने दूसरा बैगन भी रोस्ट कर लिया है, ये देखिए नाइफ अंदर जा रहा है, यानी रोस्ट हो गया। मैं गैस बंद कर दूंगी और दोनों बैगन को थोड़ा ठंडा होने पे इसका ऊपर का पोर्शन निकालेंगे। बैगन हमारा ठंडा हो चुका है, अब मैं इसमें ऊपर का ये जला पोर्शन निकालूंगी इस तरीके से। ये देखिए, बैगन को मैंने अच्छे से छील लिया है। अब इसकी डंठल मैं निकाल दूंगी, डंठल को मैं इसे कट कर दूंगी और इसे प्लेट में डालूंगी। इसी तरीके से मैं दूसरा बैगन भी छीलूंगी। इस तरीके से मैंने दूसरा बैगन भी अच्छे से छील लिया है। अब मैं इसकी भी डंडी कट करूंगी और इसे बर्तन में डालूंगी और इसे अब मैं मैश करूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसे मैश करूंगी। मैंने बैगन को अच्छे से मैश कर दिया है, अब मैं इसे फ्राई करूंगी। बैगन को आप बॉईल करके भी बना सकते हैं, पर रोस्ट किया हुआ बैगन का भरता ज्यादा टेस्टी होता है। अब मैं गैस ऑन करूंगी
और इस पे कढ़ाई रखूंगी अपनी। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें अपना मस्टर्ड ऑयल डालूंगी जो 2 टेबल स्पून है, और इसे थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें जीरा डालूंगी और इसे लाल होने देंगे। इसके बाद मैं हरी मिर्च भी डालूंगी। हरी मिर्च मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं की है, अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो हरी मिर्च और ऐड कर सकते हैं। और इसे थोड़ा लाल होने देंगे। जीरा हमारा अब लाल हो चुका है, अब मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी और इसे अच्छे से चलाएंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसमें थोड़ा सा हींग भी डालूंगी और इसे 1 से 2 मिनट के लिए और चलाएंगे। लो फ्लेम पे ही गैस को मैंने रखा है। अब मैं इसमें लहसुन डालूंगी जो मैंने ग्रेट किया हुआ है, अदरक, और इसे अच्छे से चलाएंगे। 2 मिनट मैंने लहसुन अदरक को अच्छे से फ्राई किया है। अब मैं इसमें अपने मसाले डालूंगी, और याद रखिएगा कि गैस को जब भी मसाले डालें तो लो फ्लेम पे ही रखिएगा, नहीं तो मसाला जल जाएगा आपका। ये गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये ऑप्शनल है आपका, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, और इसे अच्छे से चलाएंगे। 2 से 3 मिनट हम इसे चलाएंगे और कवर करके रख देंगे। ये देखिए गैस को मैंने लो फ्लेम पे ही रखा है, नहीं तो हमारा मसाला जल जाएगा। 2 मिनट हो चुका है, अब मैं अपने मसाले को अच्छे से चलाऊंगी और इसमें अब मैं टमाटर ऐड करूंगी और इसे फिर से अच्छे से चलाएंगे। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें अब नमक भी ऐड करने वाली हूँ। नमक थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि मैंने भरते में भी डाला है थोड़ा, और इसे अच्छे से चलाएंगे। इससे हमारा टमाटर गल जाएगा अच्छे से, और 2 मिनट के लिए फिर से कवर करके रखेंगे गैस को। अब मैं चेक करूंगी, ये देखिए टमाटर हमारा अच्छे से गल चुका है, मैंने इसमें नमक डाला था इसलिए देखिए टमाटर बहुत ही अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसमें अपना बैंगन का भरता ऐड करूंगी जो मैंने मैश करके रखा हुआ है, और इसे अच्छे से चलाएंगे। मैंने बैगन को अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है, ये देखिए। अब मैं इसमें कोरिएंडर डालूंगी, कोरिएंडर मैं अच्छे से डालूंगी, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और थोड़ा सा गार्निश के लिए बचा के रखूंगी। ये देखिए कोरिएंडर मैंने ज़्यादा यूज़ किया है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है भरते में। मैंने कोरिएंडर को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है भरते में, अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसे कवर करके रखूंगी और गैस को लो फ्लेम पे ही रखूंगी। 2 से 3 मिनट हो चुका है, अब मैं भरते को फिर से चेक करूंगी। ये देखिए भरता मेरा पूरी तरीके से रेडी है, इसे मैं अच्छे से चलाऊंगी। अब मैं इसे सर्व के लिए निकालूंगी और गैस को बंद कर दूंगी क्योंकि भरता हमारा पूरी तरीके से रेडी है। मैंने बैगन को रोस्ट किया हुआ है इसलिए बहुत ज़्यादा देर तक इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। गैस को मैंने बंद कर दिया है, अब मैं इसे सर्व के लिए निकालूंगी। अब मैं इसे सर्व के लिए निकालूंगी। भरता हमारा बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। ये देखिए बैगन के भरते को मैंने सर्व के लिए निकाल दिया है। ये देखिए मेरा बैगन का भरता पूरी तरीके से रेडी है। अब मैं इसे गार्निश करूंगी अनियन से और कोरिएंडर वगैरह से। अब मैंने भरते की गार्निशिंग कर दी है, ये देखिए अब मेरा बैगन का भरता पूरी तरीके से रेडी है सर्व करने के लिए। मेरा बैगन का भरता बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये देखिए।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए।